वॉट्स ऑल माई एच वी एजम्स आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट बट जैसे ही मैंने बोला आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट आई थिंक मैं खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हूँ बिकॉज जो पिक्चर मैंने आप सबके सामने लगाई है दिस डज नॉट शो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट राइट बट आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपकी ऐसी हालत जरूर होती है जब आप केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हो जिनसे मैक्सिमम बच्चों को यू नो दे हैवे फोबिया कि हमें ये चैप्टर्स मैम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सो इफ आई स्टार्ट टेकिंग द नेम्स ऑफ द चैप्टर सबसे पहले आता है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जहां पर आपको खूब सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं रेनेटेडीन जेंटेक्सम हिस्टामिन उसके बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है बायो बायोमोलिक्यूल जहाँ पर आपको इतनी कंफ्यूजन होती है कि मैम ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है गैलेक्टो गैलेक्टोज का क्या स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का क्या स्ट्रक्चर है सुक्रोज का क्या स्ट्रक्चर है माल्टोज लेकटोज एंड सोन so आई एम श्योर sure आप बच्चों को कंफ्यूजन होती है इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर्स एंड बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैम मेलेमाइन का स्ट्रक्चर क्या था है ना मैम इथिलीन ग्लाइकोल कौन से पॉलीमर को बनाने में यूज होता है आई एम श्योर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर बच्चे एक और चैप्टर है हमारा इन्वॉमेंटल केमिस्ट्री जहां पर खूब सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं जैसे डीडीटी का क्या स्ट्रक्चर है है ना पैरासिटामोल का क्या स्ट्रक्चर्स है एंड सो ऑन तो मेरे ख्याल से जब भी आप बच्चे इन चैप्टर्स को पढ़ते हो आई एम नॉट सेइंग ये चैप्टर्स अच्छे नहीं है बट व्हेन इट कम्स टू यू नो रिमेंबरिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स आपके दिमाग में आई थिंक ये हालत हो जाती है खैर जब मैं छोटी थी मेरी तो ये हालत हुई थी व्हेन इट कम्स टू यू नो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवामेंटल केमिस्ट्री बट एक दुख की बात यह है कि जेई मेन के पेपर में नॉट ओनली दिस टाइम लाइक सो मेनी टाइम्स रिपीटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमेटेडीन का क्या स्ट्रक्चर है रेनेटेडीन का क्या स्ट्रक्चर है जेंटेक का क्या स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स के नाम क्या हैं आई एम श्योर जिन बच्चों ने uh, जेई के लिए प्रिपरेशन करी है या जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं uh, मुझे लगभग 100% परसेंट गारंटी है कि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले जरूर देखे होंगे तो कमिंग टू द मेन पॉइंट में बात कोई इधर उधर नहीं करती लेटमी कम टू द मेन पॉइंट बच्चे जेई मेन एंड नीट बोथ द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर है ना एंड इस बार का जो जेई मेन का पेपर हुआ था उसने ये प्रूव कर दिया था कि अगर एक बच्चा बायोमोलिक्यूल्स पॉलिमर्स केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन चैप्टर्स को अच्छे से कर कर गया है तो लगभग यू नो आपके फोर इंटू फोर या फोर इंटू फाइव सोलह से 20 नंबर कंफर्म हो जाते हैं राइट बट इन चैप्टर्स को करना अपने आप में थोड़ी टफ बात होती है तो so, बच्चे लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन फॉर दिस कल मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास शेड्यूल करी है इस स्पेशल क्लास में Uh, हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको आपके सामने लिए ये तो मैंने पांच छह नाम लिए हैं ऐसे पचास साठ स्ट्रक्चर्स हैं राइट तो इन स्ट्रक्चर्स को बच्चे हम अपने इस दिमाग में रिटेन कैसे करें कि ये जेई के एग्जाम तक हमें याद रह सके और बच्चे जेनुइन सी बात है है हाँ ना जेनुइन सी बात है सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है बट द ओनली थिंग इज कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें दे रखी है हम अपने दिमाग में पूरी की पूरी पिक्चराइज नहीं कर पाते पेपर के टाइम पे हम भूल जाते हैं तो बच्चे कल इस स्पेशल क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखने हैं एंड यू नो मैंने पहले भी बच्चों को ये स्ट्रक्चर्स याद करवाए थे और वहाँ पर जो हमने मेथड यूज़ किया था दैट वॉज अ स्टोरी टेलिंग मेथड मतलब आई विल बी टेलिंग यू सम स्टोरीज कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स करेंगे एंड यू विल बी एबल टू रीड ड्रॉ द स्ट्रक्चर बायर सेल्फ एंड ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है तो जितने भी बच्चों को इन चार पाँच चैप्टर्स में कंफ्यूजन uh, होता है आपको डर लगता है स्ट्रक्चर्स को देख के आप स्ट्रक्चर्स रिटेन नहीं कर पाते हो तो बच्चे मेक श्योर sure आज वाली ये जो स्पेशल क्लास है इसमें आप मुझे जरूर मिलोगे ठीक है बी मैं आपका एक घंटा या सवा घंटा लूंगी बट आई मेक श्योर वो एक सवा घंटा वर्थ इट होगा अगर आपने मेरे साथ स्पेंड किया बिकॉज यू विल बी एबल टू टेक ऑलमोस्ट सिक्सटीन टू ट्वेंटी मार्क्स है ना विद यू एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग राइट तो बच्चे ये जो स्पेशल क्लास है आप डेफिनेटली अटेंड करना ये स्पेशल क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग एंड इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई गिव यू अ लिंक फॉर द स्पेशल क्लास ताकि आप डायरेक्टली स्पेशल क्लास एनरोल कर सको ठीक है बट uh, येस yes, आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा सो यू कैन यूज माई कोड साक्षी टू एनरोल फॉर दिस फ्री स्पेशल क्लास बट मेक श्योर सब बच्चे स्पेशल क्लास में आएंगे जरूर बिकॉज वो कहते हैं ना कई बार हम लाइफ में सही टाइम पे सही चीज कर लेते हैं तो पेपर के टाइम पे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है सो आई विल मेक श्योर इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स केमिस्ट्री इन एवरी डे एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स कराए जाए कि आप डायरेक्टली है ना उनको डाइजेस्ट कर लो और अपने दिमाग में रिटेन कर सको सो बस दैट्स इट दिस वाज़ द इन्फॉर्मेशन आई होप आप सब एक्साइटेड हो इस स्पेशल क्लास के लिए तो मिलते हैं इस स्पेशल क्लास में विच इज बाय द वे एट सेवन पी ओके सो मिलते हैं स्पेशल क्लास में बाय